हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गंदे पानी के बीच विराजे हैं देवी देवता। खरबूजा बावड़ी महादेव मंदिर में घुटने तक डूबी भगवान की प्रतिमाएं। जोधपुर शहर में एक ऐसा भी मंदिर है जहां देवी देवता गंदे पानी के बीच विराजे हुए हैं। प्रशासनिक उदासीनता के कारण यहां से गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। गंदे पानी की निकासी की समस्या के चलते करीब 100 साल पहले बने खरबूजा बावड़ी महादेव मंदिर में बारिश के मौसम में भगवान शिव और उनके परिजनों की प्रतिमाएं घुटने तक डूबी हुई हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ये समस्या लंबे समय से चल रही है। पिछले 15 साल में 4 साल तक भोलेनाथ को बिना पूजा के रहना पड़ा। ना मंदिर के गेट खुले, ना कोई पुजारी अभिषेक करने आया। मंदिर की दुर्दशा इससे ज्यादा क्या होगी कि भगवान शिव एक साल में से 3 महीने गंदे पानी में ही डूबे रहते हैं। इस पानी में तरह तरह के जलीय जीव और काई होने के कारण जाना भी असंभव है। हर साल जुलाई से सितंबर माह में इस शिव मंदिर में महादेव की पूजा नहीं होती है। इस साल भी महादेव घुटने तक पानी में परिवार सहित डूबे हुए हैं। PHED और नगर निगम ने यहाँ से पानी निकासी के लिए 5 पंप लगा रखे हैं, लेकिन चलते सिर्फ 2 या 3 पंप ही हैं। यहाँ पानी मंडोर गार्डन व BSF को गार्डनिंग के लिए सप्लाई होता है। इस मंदिर को लेकर कई बार मीडिया में समाचार आ चुके हैं। हर बार अफसर और नेता आते हैं और आश्वासन देकर चले भी जाते हैं, लेकिन इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। 2 साल पहले इस मंदिर के चारों ओर इतना पानी भर गया कि लोगों को आवाजाही के लिए नाव तक चलानी पड़ी। प्रशासन की नींद खुली तो उस समय पानी को खाली करवाया और बाइक चलना शुरू हुई। लोगों का कहना है कि गंदा पानी भरा होने से मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसे में गेट के बाहर खड़े होकर दुग्ध अभिषेक कर पुष्प अर्पित करने पड़ते हैं। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।